हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशु फार्मेसी पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैक द हील ट्रीटमेंट कैसे करें, फटी एड़ियों का या फिर जो पैरों में बवारे फट जाते हैं उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्यों ये होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्रैक द हील होता है, ये जो सीबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे स्किन में, वो जब जो है सूखने लगते हैं तो ठंडियों में ये सूखते हैं। सीबेसियस ग्लैंड जो क्या करता है, स्किन को मॉइस्चराइजर का काम करता है, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। तो स्किन को ये मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड करता है जिससे स्किन हमारी ड्राई होने से बची रहती है। तो जब सीबेसियस ग्लैंड सूखने लगता है तो उसमें जो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है और उसकी दीवारें जो है फटने लगती हैं, तो एड़ियों में ऐसा देखने को मिलता है। देखिए इस पे कुछ इस प्रकार से, देखिए एड़ियाँ जो है फटने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, तो मैं ये क्रीम लेकर के आया हूँ जिसका नाम है क्रैकड हील रिपेयर ये देखिए एक ये आयुर्वेदिक फार्मूले का जो है क्रीम है। इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक क्रीम टू रिलीव सेवियरली डैमेज एंड क्रैक्ट हील। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, इसको लगाने के पहले एड़ी कैसी थी और लगाने के बाद कैसी है। तो मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं एज ए एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो बनाता हूँ। देखिए इसका फार्मूलेशन सब दिया हुआ है, इस पर क्या क्या कंटेंट इसमें मिला हुआ है इसमें आप पढ़ सकते हैं साफ। तो फ्रेंड्स, इसको आपको जो है पहले जिस एरिया में लगाना है, मान लीजिए हाथों में लगाना है या फिर एड़ी पे लगाना है, तो एड़ी को पहले आप गर्म पानी में नमक करके जो है पहले उसको धुल लीजिए। और धुलने के बाद जब वो थोड़ा सा गीला हो जाए, उसके बाद जो स्किन, जो उभरी हुई स्किन है, उनको जो है आप स्किन रिमूवर से, जो रगड़ने वाला आता है उससे, आप जो है फिजिकली रगड़ करके उसको आप थोड़ा सा निकाल दें ताकि ऊपर का स्किन, जो डेड स्किन है, वो निकल जाए। उसके बाद आप इस ऑइंटमेंट को दिन में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें, आपको 5 से 6 दिनों के अंदर पूरा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस प्रकार से आपकी एकदम स्मूथ एड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।